नमस्कार। तो आज आप हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IRFC स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो IRFC लिमिटेड की बात की जाए तो स्टॉक एक अच्छी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ रैली करता हुआ नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक जब यहाँ पे रिलीज़ हुआ था, मीन्स यहाँ पे IPO आया था, उसके बाद स्टॉक काफ़ी वीक नज़र आ रहा था। मीन्स यहाँ पे एक दो साल तक कोई भी यहाँ पे रेंज बाउंड मोमेंट हम लोगों को देखने को मिली थी 25 to 20 लेवल के बीच में। जैसे 26 को ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ने एक तेज़ी पकड़ी है और तेज़ी के साथ यहाँ पे ऊपर रिसेंटली एक अच्छे वॉल्यूम्स भी जनरेट हो रहे। तो आज की कोई खास अपडेट है क्या देखा जाए तो रिसेंटली कोई खास अपडेट नहीं है यहाँ पे IRFC लिमिटेड के लिए, पर एक अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है, क्योंकि आज 49.75 पे क्लोजिंग डे 50 के नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। 10% से ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे देखने को मिले इंडियन रेलवे फाइनेंस के अंदर। तो 34 लेवल यहाँ पे जो ब्रेक की स्टॉक ने, फिर यहाँ पे नया हाई बनाया, फिर 40 को ब्रेक किया, फिर 45 को अभी देख सकते कि 50 लेवल के करीब आ चुका है। जैसे कि वॉल्यूम्स यहाँ पे रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर, वैसे वॉल्यूम्स यहाँ पे रिसेंटली कंटिन्यूस रहते हैं, तो स्टॉक यहाँ पे 50 लेवल को भी ब्रेकआउट दे सकता है। पर वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं तो स्टॉक यहाँ पे वीक नज़र आ सकते हैं और फिर गिरावट देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। पर जैसे ही आज वॉल्यूम्स आए कंटिन्यूस और कल भी वॉल्यूम आते हैं तो 50 लेवल को एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल सकता है IRFC के अंदर और ऊपर जाने के जो चांसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो ये था लेटेस्ट अपडेट IRFC के लिए।